और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी सबकी रक्षा करेंगे और आम जन का विकास और सबका विकास करने की सोचेंगे। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं और पूरा हिंदुस्तान धन्यवाद करता है कि उन्होंने फोकट में फ्री में गेहूं बांटे हैं सबको, लेकिन हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया है। तो ये अच्छी बात है, गर्व की बात है या शर्म की बात? बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने कोरोना से जो पीड़ित लोग थे और जिनको आवागमन का साधन नहीं था, उनको फ्री में गेहूं दिए हैं। राज्य सरकार पैसे ले रही है और भारत सरकार फ्री में अभी तक बांट रही है। जिम्मेदार कौन है कि वो भूख ऐसी नौबत आई कि आज जो है नागरिक भूखा मरने को तैयार है? 80 करोड़ लोग जी, एक आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर रोजगार होता जनता के पास तो उसको फ्री में राशन बांटने की नौबत नहीं। मेरा 9 दिन का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, फिर भी भारत की बेरोजगारी दर बढ़ रही है, तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये उलझाने हुए प्रश्न है। सर्विस के बारे में ज्यादा नहीं समझता, ये हमारे समझ के बाहर की बात है। तो फिर आपको तो फायदा ही होगा ना। हम इस वक्त मौजूद है जंतर मंतर पर, हमारे साथ फेडरेशन के बूंदी जिला अध्यक्ष है, उनसे बात करेंगे। क्या मुद्दे हैं आपके, आज जंतर मंतर पर आना पड़ा? जी जनित, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं राजस्थान बूंदी से मदन गुजर जिला अध्यक्ष हूं ऑल इंडिया एंटरप्राइज ऑफ ग्रेड फेडरेशन का। हमारी 9 मांगे हैं। पहली मांग तो ये है कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित किया जाए। हमारी दूसरी मांग ये है कि हमें 400 रुपये पर क्विंटल दिया जाए। हमारी तीसरी मांग ये है कि हमें DPA घोषित किया जाए, डायरेक्ट प्रोसिक्यूटर। जो हम भारत सरकार माल खरीदती है, तिलम संघ से खरीदवाती है और दूसरे संघ खरीदे, तो हम डीलर उसको खरीदें, और हमें जो कटौती पहले मिलती थी वो कटौती दी जाए। हमारी 9 मुख्य मांगे हैं और हमारा विशेष निवेदन यह है कि राजस्थान में माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के सार्थक प्रयास हैं और राजस्थान सरकार के संवेदनशील निर्णय से हम राशन डीलरों को 50-50 लाख रुपये उनके परिवार को दिला चुके हैं। तो मेरा माननीय भारत सरकार से निवेदन है कि सभी राज्यों के जो मृतक राशन डीलर हैं उनके परिवारों को 50-50 लाख रुपये दिलवाए जाएँ और उसके बाद उनके जो बच्चे हैं उनको कोरोना योद्धा घोषित किया जाए। और हमारी 9 जो मांगे हैं जो फेडरेशन ऑल इंडिया फेयर प्राइड फेडरेशन मांग रही है उसको पूरी करें। हम तब तक संघर्षरत रहेंगे जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं हो जाती है। जनित का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात सुनी। नहीं तो क्यों आप लोगों की डिमांड माननी चाहिए? अगर बीच में से डीलर खत्म हो जा रहे, डायरेक्ट जनता को फायदा हो रहा है, तो उससे आपको क्या दिक्कत? जी हमें इसलिए मानना चाहिए, भारत सरकार के 2 महत्वपूर्ण डिसीजन हुए हैं। एक हुआ है नरेगा, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून। राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून में यह तय है कि आपको प्रत्येक व्यक्ति को गाँव में 100 दिन का रोजगार देना है, ये कानून में है। प्रपत्र नंबर 6/2 आपको रोजगार मिलेगा और वो जो रोजगार देने वाला है या जो उसकी हाजिरी भरता है उसको राजस्थान सरकार ने 21,000 रुपये देने का भी वादा किया है। तो मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, भारतीय खाद्य सुरक्षा कानून भी एक कानून है और उसके तहत हम 360 दिन तक लोगों को खाद्यान्न मुहैया करवाते हैं। तो हमारा निवेदन है कि हमें भी 50,000 का पेमेंट दिया जाए और हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाए। अभी हमारा कमीशन बहुत कम है, 125 रुपये प्रति क्विंटल मिलता है, परिवार का पालन पोषण नहीं होता हमारा। अभी जो कमीशन मिल रहा है कितना मिल रहा है? 125 रुपये पर क्विंटल मिल रहा है सर। एक राशन डीलर के पास 50 क्विंटल माल आता है, उसको 6-7 हज़ार रुपये पैसे मिलते हैं, 3,000 दुकान वाला ले लेता है, 2,000 का लड़का रख लेते हैं, 1,000 रुपये का बिजली बिल आ जाता है जिसमें हम नील बटा नहीं लें। तो हमारी मांग है कि हमारी तनख्वाह 50,000 रुपये की जाए, 50,000 रुपये की जाए। लेकिन अभी जो कोरोना आया था उसमें तो अच्छा कमीशन मिला होगा आप लोगों ने, क्योंकि माननीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, वो तब से ही हमें 5 जो किलो गेहूँ है वो फ्री दे रहे हैं और राज्य सरकारें पैसा ला रही है। मोदी जी का हम धन्यवाद करते हैं और पूरा हिंदुस्तान धन्यवाद करता है कि उन्होंने फोकट में फ्री में गेहूँ बांटे हैं सबको, लेकिन हमारा कमीशन नहीं बढ़ाया है, जो मिलता था वही मिला है। अच्छा ये बात, एक बात बताइए, जी जी संसद में सरकार ने कहा कि 80 करोड़ भारतवासियों को हमने फ्री में राशन खिलाया है। जी 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 बिल्कुल खिलाया। तो ये अच्छी बात है, गर्व की बात है या शर्म की बात? बहुत अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि उन्होंने कोरोना से जो पीड़ित लोग थे और जिनको आवागमन का साधन नहीं था उनको फ्री में गेहूं दिए हैं। राज्य सरकार पैसे ले रही है और भारत सरकार फ्री में अभी तक बांट रही है, 5 किलो पर कैंडिडेट को अभी तक मिल रहा है। तो ये देश के लिए गर्व की बात है या शर्म की बात? ये गर्व की बात है। गर्व की ये गर्व कैसी बात है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में ये तय है कि भारत का कोई भी नागरिक भूखा नहीं रहे और इस कानून को मोदी भूखा नहीं रहे बात ठीक है जी। लेकिन उसका जिम्मेदार कौन है कि वो भूख ऐसी नौबत आई कि आज जो है नागरिक भूखा मरने को तैयार है? 80 करोड़ लोग
जी, एक आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अगर रोजगार होता जी जनता के पास तो उसको फ्री में राशन बांटने की नौबत। मेरा एक निवेदन है कि इससे पूर्ववर्ती सरकारों ने राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना लागू किया है, उसमें सभी को रोजगार मिलता है। 100 रुपये 100 दिन का रोजगार प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाता है, फिर भी भारत की बेरोजगारी दर बढ़ रही है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ये उलझाने हुए प्रश्न है और भारत की जो व्यवस्था है, भारत का देखिए नरेगा था उसमें रोजगार मिलता था जी जी जी, यहाँ पे सरकार ने उसको बंद कर दिया था शुरू में आए थे जब, अभी चल रही है नहीं, बाद में इन्होंने रिज्यूम करा, बाद में इन्होंने दोबारा चालू करा जी, जी, जी। उसमें रोजगार मिलता है, एक व्यक्ति है उसके पास पैसा आता है जी, जी, लेकिन यहाँ सरकार क्या कर रही है, वो राशन बांट रही है जी, जी। पैसा तो दे नहीं रही जी, जिससे मार्केट में पैसा जाए, लोग खरीद सके। बिल्कुल जी जी। मेरा निवेदन है कि खाने की जरूरत सभी को होती है, ISO PMO CMO DMO, तो खाद्यान्न तो सभी को जरूरत होती है, और वो जो खाद्यान्न हम खाते हैं, खाना आप भी खाते हो, भोजन मैं भी करता हूँ, मैं संपन्न हो सकता हूँ या आप बहुत बड़े संपन्न हो सकते हो, कोई गरीब हो सकता है, खाने की जरूरत सबको। मोदी जी खाद्यान्न दे रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति को 5 किलो खाद्यान्न उपलब्ध करवा रहे हैं, खाद्यान्न गरीब को राशन की दुकान से मिल रहा है, आप किसी बाजार से खरीद के लाते होंगे, लेकिन मिल खाद्यान्न रहा है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में मोदी जी खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, लोगों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं, इसलिए धन्यवाद के पात्र हैं। अच्छा, लेकिन उनको रोजगार नहीं देना। हाँ, राशन डीलरों की जो समस्या है, हमारा कमीशन बढ़ाया जाए, हमारा कमीशन कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं मोदी जी जो है लोगों को फ्री में खाद राशन प्रदान कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सर, ये हम तय नहीं कर सकते, हम राशन डीलर हैं, हम हमारी मांग को मांगते हैं, और ये सब उन लोगों का काम है जो देश की राजनीति को चलाते हैं। हमारा मांग थी कि हमें 50,000 का तनख्वाह दी जाए, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो जितना राशन बटेगा आपका ही फायदा है। जी 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 सर, जी सर, जी सर, आप इसीलिए चाह रहे हैं कि राशन और बटे और भारत में गरीबी बढ़े, बांटी नहीं सकते भारत में और गरीबी बढ़े, 70% ज्यादा बांट ही नहीं सकते। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में 70% ज्यादा आप राशन बांट ही नहीं सकते, 70% लोगों को ही राशन मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं बांट सकते। और इसमें अगर किसी को मिल रहा है तो यह तय है कि आप स्वेच्छा से उसको छोड़ सकते हैं, जैसे सब्सिडी गैस सिलेंडर की छोड़ी है। सरकार ने जो संसद में आंकड़ा दिया है जी, उसका 80 करोड़ लोगों का जो प्रतिशत बैठता है वो 60 के आसपास बैठता है जी जी, यानी कि जो आप बता रहे हैं जी जी नेशनल फूड वाले में जी जी, उसमें 75 का आंकड़ा है जी जी, उससे ज़्यादा नहीं बांट सकते, तो 14-15% बचा वो भी पूरा हो जाएगा, फिर क्या करेगी भारत की गरीब जनता? तो सर, इसके बारे में ज़्यादा नहीं समझता, ये हमारे समझ के बाहर की बात है। तो फिर आपको तो फायदा ही होगा ना? हाँ, फायदा होगा सर, सभी को मिलेगा तो, लेकिन जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, इनकम टैक्स पेयर है, उनको नहीं मिल पाएगा सर। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में कानून है कि टैक्स पेयर को नहीं मिलेगा, आपके पास 100x200 का अगर मकान है तो नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिल पाएगा। तो देश की 15% आबादी ऐसी भी है जो लेना नहीं चाहती, मिल भी जाए तब भी। तो ये अच्छा, ये जो राशन वाली समस्या है, क्या अलग अलग राज्य में अलग अलग? बिल्कुल अलग अलग राज्य, अलग अलग राज्य में अलग अलग समस्याएं, नहीं अलग अलग राज्यों में अलग अलग। जैसे राजस्थान में हमें 125 रुपये कमीशन मिलता है, वही कमीशन गुजरात में थोड़ा ज्यादा मिलता है, और मध्य प्रदेश में उससे भी ज्यादा मिलता है, और वहाँ चावल का वितरण होता है, हमारे यहाँ सिर्फ गेहूँ का होता है, चीनी का वितरण होता है, हमारे यहाँ सिर्फ गेहूँ का होता है, वहाँ इसका दाल का भी वितरण होता है, और हमारे यहाँ दाल का वितरण नहीं होता। तो वो क्या है, और हमें जो DPA का मतलब है, डायरेक्ट प्रोसिक्यूटर एजेंट, इसका मतलब ये होता है कि भारत सरकार जो FCI से गेहूँ खरीदती है वो डीलर के माध्यम से खरीदे, ताकि हमें उसका पैसा मिल जाए और हमें कमीशन मिल जाए, हम ये भी चाहते हैं। तो सरकार क्या लग रहा है, क्या मंशा है सरकार की, भारत सरकार से डीलरों को हटा दिया जाए डायरेक्ट? भारत सरकार हमारी मांगे पूरी करेगी, अभी माननीय 4-5-6 सांसद पधारे थे, वो सब कह रहे हैं हम लोकसभा में इस बात को रखेंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि मोदी जी सबकी रक्षा करेंगे और आम जन का विकास और सबका विकास करने की सोचेंगे, निश्चित रूप से हमें वो बिल्कुल फायदा पहुंचाएंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी जो है सरकार के साथ लोग बने हुए, खासकर जो बनिया है, ब्राह्मण है, वो लोग अभी भी सरकार के साथ बने हुए, भले ही उनकी डिमांड जो है, डिमांड के लिए वो जंतर मंतर पर आते हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के साथ अभी भी लोग बने हुए हैं। देश में 80 करोड़ लोगों को फ्री फंड में खाना खिलाने के लिए सरकार संसद में आंकड़ा देती है, जिस पर बीजेपी और तमाम बीजेपी के समर्थक जो है गर्व कर रहे हैं, जबकि ये एक शर्म की बात है कि आज देश की जो है 60% से ज़्यादा जो आबादी है देश की, वो BPL कार्ड के नीचे आ रही है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र के साथ जंतर मंतर जनित आवाज़, दिल्ली।